जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। तो इस वक्त मैं ललमुशा जंक्शन पे मौजूद हूँ एक बार फिर पिंड दादन खान के लिए। जो कोरोना से पहले शटल ट्रेन चलती थी उसको फिर एक बार से बहाल कर दिया गया है और बकायदा अभी ये 6:30 पर जो है यहाँ से डिपार्चर होने वाली है। और लाला मूसा से पिंड दादन खान की तरफ चलने वाली शीतल ट्रेन को दोबारा उसी ट्रैक पर एक बार फिर आज सुबह 6:30 पर रवाना किया गया। ये रेलवे ट्रैक तारीखी एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस ट्रैक पर दो कदीमी शहर हरनपुर और पिंड दादन खान और पिंड दादन खान से 3 किलोमीटर के फासले पर खेड़ा माइंस वाकया है और इसी ट्रैक पर 125 साल पुराना मलका विक्टोरिया ब्रिज भी मौजूद है। इस शटल ट्रेन को 32 साल एक्सपर्ट ड्राइवर रियाज दानिश ने शटल ट्रेन की जरूरी अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा। ये अनंतपुर ब्रिज है, अनंतपुर ब्रिज है और ये जो ट्रेन है ये एट टाइम 10 मिनट में 3 जिले क्रॉस करती है। मंडी बहुत ही आ रही है, अभी हम जिला सरगोधा में एंटर हुए हैं और 10 मिनट में हम वो डिस्ट्रिक्ट जेलम में एंटर हो गए। माशाल्लाह बोले जरा ट्रेन लालामोसा से रवाना हुई तो ट्रेन को हसूसी दुआओं के साथ अलविदा किया गया। ट्रेन डिंगा स्टेशन पर जब पहुंची तो वहां भी इस ट्रेन का खासा इस्तकबाल किया गया। ड्राइवर और ट्रेनी ड्राइवर और ऑपरेशन मैनेजर के साथ मिलकर सुबह का नाश्ता किया गया और इसके बाद ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ मलकवाल से रवाना हुई। और ये थी ट्रेन ट्रैक की सूरत हाल। इसके बाद ट्रेन मलका विक्टोरिया ब्रिज से गुजरती हुई तकरीबन 45 मिनट की मसाफत के बाद पिंड दादन खान पहुंची। वहां मुसाफरों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस ट्रेन के बारे में ये कहा।